आज हम लोग जा रहे हैं नारकंडा। हाय करो सबको। टू लेन हाईवे बहुत ही मस्त हाईवे है, उड़ते हुए आओगे। यहाँ पे थोड़ी बहुत पुरानी बर्फ पड़ी हुई है। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम लोग जा रहे हैं नारकंडा और ये है व्लॉग 4 का एपिसोड 1। सो हमेशा की तरह व्लॉग में आपको मस्त मस्त व्यूज दिखेंगे, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिलेगी रोड्स के बारे में। और यार चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे? आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है। हर वीडियो पे 90% लोग यार अनसब्सक्राइबर आ रहे हैं। कर दो बेचारे के लिए, कर दो भाई, कर दो कर दो। गाइस टू लेन हाईवे बहुत ही मस्त हाईवे है, उड़ते हुए आओगे। ठीक है, उड़ते हुए वो समझ गए, जो लोग समझदार हैं वो समझ गए हैं सारे लोग। ठीक है, तुम्हारी तरह नहीं है सारे। ठीक है, और एकदम बढ़िया गाड़ी, अच्छी चलती है। पर गाड़ी कितनी भी बेकार क्यों ना हो, अच्छी चलती है। तो देखो सबसे जो कहें कोई बात नहीं, सहने पड़ते हैं, कोई बात नहीं। सो हमें पहला पॉइंट तो ये ध्यान रखना है कि हम अपनी स्पीड यहाँ कम ही रखें, क्योंकि सिंगल रोड कब आ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और सेकंड कि लोग रॉन्ग साइड आते हैं, और थर्ड एक और कि डाइवर्जन का बोर्ड कहीं भी दिख जाएगा आपको। ठीक है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन लमसम ही चल रही है, 50% हो गई है, 50% चल रही है, स्लो चल रही है। तो जो भी लोग अभी आ रहे हैं सो प्लीज़ थोड़ा ध्यान से, थोड़ा सेफ है ना। ज्ञानी बाबा का ज्ञान बढ़ गया, ज्ञान बढ़ चुका है। तो आइए आगे स्टार्ट करते हैं मित्रों, चल। हम टियोग से 13 किलोमीटर हैं और यहाँ पे थोड़ी बहुत पुरानी बर्फ पड़ी हुई है। कैसा लग रहा है आपको यहाँ? ठंडी है ना? यहाँ ठंडा है, गर्म था बहुत, 20-21 टेम्परेचर ही चल रहा था। और रोड पे यहाँ अभी भी इस टाइम भी थोड़ी बर्फ है, पुरानी बर्फ पड़ी हुई है, सारी बर्फ गंदी पड़ी हुई है। ये थोड़ी बहुत जो बर्फ है ये है, पुरानी है ये भी। अब तो कहाँ ही होगा स्नोफॉल, फरवरी चल रहा है और दूर थोड़ी पहाड़ों की रेंजेस दिखनी शुरू हो गई हैं बर्फ वाली।
सो हेलो गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं अपने रिजॉर्ट, नहीं, होटल भी नहीं. सो हम लोग पहुंच चुके हैं अपने होम स्टे में. और ये जो होम स्टे है गाइस, ये बहुत ब्यूटीफुल है. और ऐसा कुछ व्यू है अपने जो होम स्टे से, ये बहुत ही कहने के लिए यार, ये होम स्टे है पर इट्स लाइक अ कॉटेजेस. इसमें कॉटेजेस बने हुए हैं होम स्टे में. सो हम लोग अभी अभी पहुंचे हैं जस्ट, और भूख बहुत ज़्यादा लग रही है. करीबन 2 बज चुके हैं. अभी हम लोग पहले लंच करेंगे, ठीक है? क्या कह रहे हो, होम स्टे दिखाऊं? नहीं गाइस, इसकी जो है डेडिकेटेड वीडियो आपको चैनल पे मिलने वाली है. सब कुछ लोकेशन बताऊंगा मैं आपको, रूम्स दिखाऊंगा, और उसके बाद आपको ये होम स्टे दिखाऊंगा. और ये नारकंडा से 11 किलोमीटर पीछे है, बट वर्थ है इसकी लोकेशन और इसका व्यू. देखो यार, अकेले अकेले खाना खा लिया. मेरा खाना भी आया नहीं और खा भी लिया भाई. फास्ट का खाना खाना था, भूख लग रही थी यार. इंसानियत नाम की तो चीज ही नहीं है, इंसानियत खत्म हो चुकी है गाइस. पेट में आलू का पराठा गया हुआ है ना, इसीलिए इंसानियत खत्म हो चुकी है. खत्म नहीं हुई है इंसानियत, जागरूक एकदम, तभी राजमा चावल बनवा रहे हैं. ये नहीं बोलना था. सो गाइस, अपना खाना वगैरह हो चुका है. हम लोग जा रहे हैं अभी, कहाँ जा रहे हैं हम लोग? नारकंडा मार्केट. थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे आसपास क्या क्या जगह हैं. यहाँ से 11 किलोमीटर है नारकंडा. अभी ना नारकंडा में है स्नोफॉल. सो गाइस, अभी हम लोग खड़े हैं थानेदार रोड पर. हम लोग अभी मार्केट गए थे पर मार्केट थी बंद. सो हम लोग थोड़ा एक्सप्लोर करते करते आगे आ गए हैं. सो हाथू पीक यहाँ से थोड़ा पीछे पड़ता है और ये थोड़ी आगे आ जाती है रोड. और थोड़ा एक्सप्लोर करते करते ना हमें थोड़े ऐसे व्यू देखने को मिल गया. गाइज, टेम्परेचर हो चुका है 7 और आग सिक्की जा रही है. और चाय पड़ी हमारी, चाय और आग सेकते से. ये रोड जाती है हाटू पीक ये वाली रोड, मेरे हिसाब से सिंगल गाड़ी की रोड है. सो गाइस, अभी हम लोग वहाँ स्नो पॉइंट से अपने रिजॉर्ट की तरफ जा रहे थे. मैंने अभी प्लान तो नहीं किया था कि मैं अभी रिकॉर्ड करूँगा कुछ. मैंने सोचा था सीधा रिजॉर्ट चलेंगे, पर यार एक ना चीज़ है जो आप लोगों को दिखानी है. गाइज, हमारे कॉटेज से व्यू कुछ शाम का ऐसा है. तो गाइज, अभी बज रहे हैं 9 और अभी बॉनफायर का सीन था हमारा, बट बॉनफायर थोड़ी देर तक लगेगी तो हम लोग तो गए तक. तो हम लोग खाना खा के सो जाएंगे. तो हम लोग डिनर करने जा रहे हैं अभी, ठीक है? इधर देखना यार, तुम कैसी लग रही. मैं वैसे तो अहिंसावादी इंसान हूँ सिंह साहब, लेकिन एक बार ना लॉ कॉलेज में एक 6 फुटे 8 इंच के लौंडे ने मुझसे बदतमीजी से बात की थी, माँ कसम. यहाँ कान के नीचे घुसड़ मारा था, उठा नहीं 22 दिन तक बिस्तर. सब्सक्राइब कर लो. पीस आउट, टाटा बाय. क्या बात है जी, एक्टिंग की बादशाह हो कसम से, बहुत अच्छी वीडियो बनाई है. सही जिसे को ना, बहुत गुड हो गया जी.